फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल यासमींस किचन हब आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सुपर टेस्टी और हेल्दी पुदीना और अनारदाना की चटनी की रेसिपी चटनी तो आपने कई तरीके से बनाई होगी लेकिन आपने कभी भी इस तरह से चटनी नहीं बनाई होगी ये चटनी टेस्टी के साथ साथ में हेल्दी भी है यह आपके ब्लड प्रेशर के लिए शुगर के लिए जोड़ों के दर्द के लिए खून को पतला करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है आप वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा चलिए देखते हैं किस तरह से हम इस मज़ेदार सी चटनी को बनाकर रेडी करेंगे आप इस मज़ेदार सी चटनी को दस से पंद्रह दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी चटनी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर दस से पंद्रह लहसन की कलियाँ ली हैं तीन इंच का हमने यहाँ पर अदरक का टुकड़ा लिया है इस चटनी को बनाने के लिए आप देसी लहसन और अदरक का इस्तेमाल करें चाइना वाले अदरक और लहसन का इस्तेमाल ना करें इसी के साथ में हम यहाँ पर हाफ़ टी स्पून सेंधा नमक का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम पिंक सोल्ट भी कहते हैं क्योंकि हम हेल्दी चटनी बना रहे हैं तो हम इस चटनी में बहुत ही कम मात्रा में नमक का इस्तेमाल करेंगे अगर आपके पास सेंधा नमक नहीं है तो आप इस चटनी में काले या सफ़ेद नमक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें आप इसे बिना नमक के ही बना रेडी कर सकते हैं इस पॉइंट पर आपको एक ख़ास बात का ख्याल रखना है कि अगर आप ये चटनी ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें नमक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें बिना नमक के ही आप इस चटनी को बनाकर रेडी करें चटनी को टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर वन टीस्पून काली मिर्च का इस्तेमाल किया है आप चाहें तो आप यहाँ पर दो हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम इसमें ऐड करेंगे थ्री टेबल स्पून अनारदाना जो कि मैन इंग्रीडेंट्स है चटनी का अनारदाना अनार के सूखे हुए दाने होते हैं जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप अनार के दाने को सुखाकर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अनारदाना हमने प्लेट में ऐड कर दिया है इसी के साथ में हमने यहाँ पर ले लिया है पुदीना तो इस मज़ेदार सी चटनी को बनाने के लिए हमें पुदीने के पत्तों का इस्तेमाल करना है जो मोटी वाली पुदीने की डंडियाँ होती हैं उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है पुदीने को हमने साफ कर कर दो से तीन मरतबा अच्छे से वॉश कर लिया था अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्सी के जार में ऐड कर देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर कर इसकी प्यारी सी चटनी बनाकर रेडी कर लेंगे ये देखिए प्यारी सी हमारी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है आप देख सकते हैं कितनी प्यारी स्मूथ सी हमारी चटनी बनकर रेडी हुई है आप इस चटनी को पीसते टाइम इसमें बहुत ही कम पानी का इस्तेमाल करें आप जो भी खाना खाएं उस खाने में आप वन टेबल स्पून इस चटनी का इस्तेमाल ज़रूर करें जब आप 10 से 15 दिन इस चटनी को खाएंगे तो आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे नज़र आएंगे ऐसा नहीं है कि ये चटनी खाने में टेस्टी नहीं है खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये चटनी बनकर रेडी होती है आप एक बार मेरे कहने से इस चटनी को बनाकर ज़रूर ट्राई करें हमेशा की तरह अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर क्या कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़